हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोमेट। और अगर आप अभी तक टेक्नोमेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेक वीडियोस लेकर आती रहूँगी। दोस्तों, हम सभी की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के डेट में मैं उसमें एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, जी हाँ, इंटरनेट। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप कैसे अपने फ़ोन से दुनिया भर में लगभग हर जगह फ्री वाईफाई का मज़ा उठा सकते हैं। जी हाँ, फ्री वाईफाई। मोबाइल डाटा प्लान्स हर दिन सस्ता हो रहा है, लेकिन कुछ भी पुराना वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं है। आपकी डाटा प्लान के विपरीत वाईफाई हॉटस्पॉट्स फ्री हैं और अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस ऑफर करते हैं। अब आप अपने मोबाइल डाटा प्लान को एंड करने के बारे में चिंता किए बिना फीफा वर्ल्ड कप देख सकते हैं, जबकि एंड्रॉयड फोन्स वाईफाई मैनेजर के साथ आते हैं, जो हॉटस्पॉट्स के लिए अपने आसपास के एरिया को स्कैन करेगा। यह एक पॉइंट से आगे इन्वॉल्व होने में फेल्ड हो रहा है और केवल बुनियादी बेसिक फीचर्स करता है। आज मैं एंड्रॉयड के लिए कुछ बेहतरीन वाईफाई हॉटस्पॉट ऐप्स शेयर करूंगा, जो आपको अपने पासवर्ड्स के साथ नियर के फ्री हॉटस्पॉट्स ढूंढने की परमिशन देगा। इन 5 ऐप्स के डाउनलोडिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां से आप इन्हें ईजली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अवास्ट वाईफाई फाउंडर। अवास्ट वाईफाई प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बेस्ट एंटीवायरस ऐप प्रोवाइड करता है, लेकिन यह उनके एरसनल के एकमात्र प्रोडक्ट नहीं है। उनके पास एक वाईफाई फाइंडर ऐप भी है, जो बॉक्स के ठीक बाहर काम करता है। यह एक बिल्ड इन मैप सुविधा के साथ आता है, जो एरिया में अवेलेबल सभी वाईफाई हॉटस्पॉट्स को पॉइंट करेगा। आप जांच सकते हैं कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। एक स्पीड टेस्ट फीचर, जो आपको कनेक्ट करने के लिए सबसे फास्टेस्ट हॉटस्पॉट निर्धारित करने में मदद करेगी। लेकिन ज़्यादातर मामलों में अवास्ट वाईफाई फाइंडर डिफ़ॉल्ट रूप में सबसे तेज़ नेटवर्क पॉइंट करेगा। ऐप प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर प्रत्येक वाईफाई नेटवर्क का रेट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, डाटा इज द न्यू ऑयल। फाइनली, यदि आप अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहे हैं और डाटा पर सेविंग चाहते हैं, तो सभी हॉटस्पॉट्स को सेव करने के लिए ऑफलाइन मोड है। ऐप योग के लिए फ्री है, लेकिन एड्स के साथ। नंबर 2, वाईफाई मैप। जबकि अवास्ट वाईफाई फाइंडर एक अच्छा ऐप है, लेकिन जब पासवर्ड सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क की बात आती है तो यह कम हो जाता है। यह वह जगह है जहां वाईफाई मैप पिक्चर काम आता है। इसे सोशल नेटवर्क के रूप में सोचे, जहां यूजर जनरल पब्लिक के लिए उपलब्ध वाईफाई हॉटस्पॉट के पासवर्ड शेयर करते हैं। ऐप का दावा है कि लगभग 100 मिलियन यूजर्स का नेटवर्क है, जिन्होंने 120 मिलियन से अधिक वाईफाई नेटवर्क शेयर किए हैं। यहाँ बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं। यह एक इंटरैक्टिव मैप के साथ आता है, जो सिटी में अवेलेबल सभी हॉटस्पॉट्स डिस्प्ले करेगा। मैप के नीचे आपको ऐसे लिस्ट मिलेगी, जो दूरी के साथ हॉटस्पॉट्स का लोकेशन डिस्प्ले करेगा। अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों के सहित वाईफाई मैप्स कहीं भी काम करते हैं। चाहे आप स्टारबक्स या मॉल में बैठे हों, आपको पासवर्ड के लिए पूछना नहीं होगा। ऑफलाइन मोड पूरे शहर के लिए पासवर्ड के साथ हॉटस्पॉट्स को बचाएगा, इसलिए आपको उन्हें ढूंढने के लिए एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। कम्युनिटी के साथ अपने एरिया में नए हॉटस्पॉट शेयर करने के लिए एक फ्री अकाउंट के लिए साइन अप करें और इसे बढ़ने में सहायता करें। ऐप यूज़ करने के लिए स्वतंत्र है और आपको $1.99 पे करके एड्स निकाल सकते हैं। नंबर 3, फ्री वाईफाई मैप, वाईमैन। वाईमैन क्योंकि इसे डेवलपर्स और यूजर्स द्वारा पॉपुलर फॉर्म में जाना जाता है। दुनिया भर में 60 मिलियन से अधिक हॉटस्पॉट्स के डेटाबेस के साथ एक और वाईफाई हॉटस्पॉट फाइंडर ऐप है। वाईफाई मैप की तरह वाईमैन एक इंटरैक्टिव मैप, एक मजबूत यूजर बेस, ऑफलाइन मैप्स और नेटवर्क और स्पीड टेस्टिंग टूल्स के साथ आता है। पूर्व के विपरीत वाईमैन के पास एक सुंदर UI है, जो यूजर नेविगेट करने में खुशी और आनंद लेता है। एक फीचर्स जो मुझे पसंद है वो है कम्युनिटी के साथ आपके वाईफाई को शेयर करने की क्षमता। इसलिए यदि आपके पास वाईफाई एक्सेस के साथ एक दुकान है, तो आप ऐप का उपयोग अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक ही स्थान पर और एक ही पासवर्ड को लिस्ट करके कर सकते हैं।
उपयोगकर्ता के रूप में आप पसंदीदा और प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि क्षेत्र में एक से अधिक वाईफाई हॉटस्पॉट हैं तो आप हमेशा उसे शॉर्टलिस्टेड में जुड़े रहेंगे। एंड्रॉयड वेयर के लिए सभी सपोर्टेड हैं, जो जीवन को आसान बनाने के लिए चाहिए। इस ऐप में एड सपोर्टेड को मुफ्त कराने के लिए आपको इसे खरीदना पड़ेगा। नंबर 4, वाईफाई मैपर ओपन सिग्नल। ओपन सिग्नल द्वारा वाईफाई मैपर शायद लिस्ट में सबसे पॉपुलर नाम है। एक भीड़ का समाधान जो आपको अपने क्षेत्र में वाईफाई हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद करेगा। एक एक्टिव यूजर कम्युनिटी नियमित रूप से डाटाबेस को अपडेट करता है, जो उन्हें खोजे गए हॉटस्पॉट की रिव्यूज और पासवर्ड के साथ किया गया है। वाईफाई मैपर को भी अधिक उपयोगी बनाता है उसका कम से कम और फंक्शनल यूआई या 500 मिलियंस मजबूत हॉटस्पॉट लिस्ट, लेकिन ऐप का 4 स्क्वायर के साथ नेटिग्रेट किया गया है। ये आपको फूड और ड्रिंक क्वालिटी, मेन्यूज आदि जैसे स्थान के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रोवाइड करता है। यदि आप और अधिक चाहते हैं तो आप ओपन सिग्नल डाउनलोड करें। एक इंटरेक्टिव वाईफाई मैप के अलावा ऐप एरिया में सभी सेल टावर्स को भी ढूंढकर डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब है सिग्नल इश्यूज या कॉल ड्रॉप्स नहीं। ओपन सिग्नल भी एक नेविगेशन टैब के साथ आता है, एक बड़ा ब्लू एरो जो आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। एक चेतावनी ऑफलाइन उपयोग करने के लिए शहर के मैप्स डाउनलोड करने में असमर्थ रहता है। हालांकि डेवलपर्स ने भविष्य की अपडेट की अपनी लिस्ट में इसको मेंशन किया है। दोनों ऐप्स डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए फ्री हैं और कोई भी एड्स नहीं है। मैं आपको अधिक से अधिक रिसीव करने के लिए दोनों ऐप्स को उपयोग करने की सलाह दूंगी। नंबर 5, वाईफाई फाइंडर। वाईफाई फाइंडर एक और वाईफाई हॉटस्पॉट फाइंडर ऐप है, जो आपको अपने आसपास फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट का पता लगाने में बहुत मदद करेगा। यह किसी भी अन्य हॉटस्पॉट ऐप की तरह काम करता है, लेकिन घंटी और सीटी के बिना। आपको किसी भी एक्टिव कम्युनिटी को कनेक्ट करने या किसी भी सोशल मीडिया इंटीग्रेशन के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि नए वाईफाई नेटवर्क जोड़ने का एक तरीका है और आप ऑफलाइन उपयोग करने के लिए हॉटस्पॉट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन $4.99 के ईयरली फी के लिए आप कैफेटेरियाज, मॉल्स, ऑफिसेज आदि जैसे कैटेगरीज के आधार पर हॉटस्पॉट भी फिल्टर कर सकते हैं। यह आपको अपने आउटिंग को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। ऐप बिल्कुल विजेता नहीं है। जब आप इसे ओपन सिग्नल और वाईफाई मैप की लाइक से कंपेयर कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ऑप्शन नहीं है अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो। समेट रहा हूँ एंड्रॉयड के लिए हॉटस्पॉट ऐप। इंटरनेट हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, ताकि हम इसके बिना एक दुनिया की कल्पना नहीं करें। वाईफाई हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ रही है और हमें अपने स्थान पर प्रदर्शन और अपडेट रहने के लिए एक ऐप की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो अपने नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।